बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्याज का पराठा बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बना है, लेकिन ये आप नहीं जानते कि ये लिक्विड डो के साथ बना है। इसके लिए ना हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही रोटी जैसा बनाने की ज़रूरत है, हमें बस आटे लिक्विड डो से ही हम ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पराठा बनाकर तैयार करेंगे। चले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए हम गेहूं का आटा लेंगे 1 कप, एक बोल में उसे ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही एक छोटी साइज़ की प्याज है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई ऑमलेट कट, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून है कलौंजी है और अजवाइन है, ये दोनों को 1/2 टीस्पून मिक्स करके ले लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। स्पाइसेस आप अपने पसंद के, आपको अपने जैसा स्पाइसेस तेज़ रखना है या कम तेज़ रखना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। पूरा पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है। 1 कप आटे में 1.5 कप पानी जाता है, लेकिन 1.5 कप पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये 1 कप पानी चला गया, ये बैटर अभी हमारा बहुत ठीक है, इसमें 1/2 कप पानी और जाएगा। ये आपके आटे पर भी डिपेंड करता है, पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। आपका आटा जैसा हो तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी पानी कर सकते हैं। बैटर हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए, और बैटर में ज़रा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बस ये 1.5 कप पानी चला गया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर से आप पराठा बनाएंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये बैटर से बना है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है, आप इसे स्पून से करके देखें, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, इसे सेट होने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेना, इस पराठे को बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन लेना ज़रूरी है। तो हम इस पर घी, ऑयल या बटर, आप जो भी जिसमें भी पराठा बनाना चाहें वो ऐड करें। मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ और फिर हम चम्मच से इसे हल्के हल्के हाथों से फैला लेंगे। ये देखिए अच्छे से फैलाने के बाद ये जो सरफेस है ये ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। ये देखिए ड्राई हो गई है, अब हम इसमें घी लगाएंगे। तेल या बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो। अब बस हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और हम यहाँ पर साइड साइड में दबाते जाएंगे तो ये पराठे हमारे हल्के हल्के से फूलते हैं। और पराठे तो पूरे फूलते हैं बट ये अभी नहीं फूल रहा है। खाने में तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, आप अगर एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना सॉफ्ट और झटपट बन जाता है, इसे आप शाम की चाय पर या सुबह के नाश्ते में कभी भी बनाएं। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पराठे बनकर तैयार है, और 1 कप आटे से 6 से 7 पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।